एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के पुलिस सभागार में जनपद के व्यापारियों के समस्याओं को लेकर एक बैठक की गई, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि जनपद के व्यापारियों के साथ मीटिंग किया जाता है, उसी संबंध में मीटिंग की गई है जिसमें सारे व्यापारियों के समस्याओं को सुना गया। ट्रैफिक व्यवस्था अपराध से संबंधित मामले व्यापारियों द्वारा आए, जिसमें उन सभी मामलों को संबंधित को भेज कर निस्तारण कराया जाएगा तथा शहर की यातायात व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के संबंध में जो भी सुझाव मिला है उन सुझाव पर अमल किया जाएगा। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस एवं व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, आधे व्यापारी विरोध करते हैं, आधे दूसरे को बोलते हैं सर मेरा तो समस्या आ रही है, दो तीन जगह आ रही है, पर हम जो भी काम करते हैं करेंगे। तो आप रेती चौक से घंटाघर की तरफ करवाने में वहां दोनों तरफ से आती है ना पब्लिक, इधर से भी आती है उधर से भी आती है, गाड़ियों का भी जाम लग हां इधर से गाड़ियां, कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, चार पहिया ठेले रिक्शे वाले वो नहीं है, और उधर से आए बड़ी मशीन क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सारी गाड़ियां बड़ी गाड़ियों के लिए। मदन जी व्यापार प्रभावित नहीं होना चाहिए किसी भी व्यापारी, अगर ग्राहक नहीं जाएंगे वहाँ पर दुकानदारी कैसे होगी। नहीं ई रिक्शा वाले आए समस्याओं का ई गाड़ी जो है प्रयास हम लोग कर सकते हैं, प्रयास हम और आप मिलकर करेंगे तो होगा। हमारी ऐसी सोच है एरिया वाइज डिवाइड कर लिया जाए और जिस एरिया में भी वो वहाँ के लोकल व्यापार मंडल के साथ 25-30-50 लोगों से आप हमारी मीटिंग करा दो, हम आपका फीडबैक और सुझाव भी लेना चाहते हैं कि आपको क्या समस्या बाहर लेकर जानी पड़ती है। अलग से एक हमारी मीटिंग कराने में मदद हमारी ससुर जी, तो उनके चार बच्चे थे, तो उसमें क्या है कि अभी कोई बंटवारा के निर्देश नहीं है, लेकिन ये है कि जिस फ्लैट वाइज हम लोग रहते थे दो फ्लैट हैं अनेक उम्र से ही परेशान थे। तो सर ये बताइए, नहीं वो तुम देंगे सर, कहने का मतलब है कि अगर जिस मकान में अगर रह रहे 20 साल से पिताजी ने नहीं निकाला, लेकिन आप कह रहे हैं कि मकान को दे दीजिए, कोई जरूरी है हम बेचे आप एप्लीकेशन दीजिए बना के हम कराते हैं। ठीक है, हम एप्लीकेशन किससे बनवाए, किस वकील से बनवाए, सबसे अच्छी बात हो रही जो आप गया तो बताएंगे काली मंदिर पे, एक बताएंगे शास्त्री चौक पे। तो काली मंदिर वाली पहले आप समझिए कि काली मंदिर की क्या समस्या आप बता रहे हैं। जी जो सिग्नल लगा हुआ है जी पता है, तो सामने सिग्नल का एक खंभा लगा हुआ है, उससे ये नहीं जाहिर होता है वो सिग्नल कहाँ के लिए दे रहा है, वो धर्मशाला रोड पर जाने के लिए दे रहा है या स्टेशन रोड जाने के लिए दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात सर, टाइमर बहुत से सिग्नल्स पे नहीं लगे हुए हैं या नहीं काम कर रहा है, टाइमर तो सारे सिग्नल्स पे था लेकिन काम नहीं कर रहा है सर। आप देख सकते हैं मेरे साथ आप मेरे साथ चलिए मैं दिखा दूंगा। और अगर इधर से शास्त्री चौक की तरफ जाए हम लोग गोलघर की तरफ से, तो शास्त्री चौराहे पर भी यही समस्या है, वो सिग्नल से पता नहीं चलता वो किधर जाने के लिए सिग्नल दे रहा है और सिग्नल दिखता भी नहीं। अगर आप फ्रंट लाइन पर नहीं खड़े हैं, एक आदमी के भी पीछे खड़े तो नहीं दिखता, उसकी हाइट और बढ़ा दिया जाए जिससे दूर तक नहीं, उसके भी है उसके आगे भी एक पुराना नाली ऊंचाई भी बढ़ा नहीं, थोड़ा ऊंचाई की सिग्नल की सब ऊंची होनी चाहिए दूर से दिखे। व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मासिक मीटिंग का आयोजन एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार प्रतिमाह किया जाता है, उसी कड़ी में ये आयोजन किया गया था। इसमें शहर के व्यापारी बंधुओं की समस्याएं हमने सुनी, जो कि ट्रैफिक जाम को लेके या किसी अपराध की विवेचना से संबंधित मामले आए थे, उन सभी मामलों को संबंधित को भेज कर उनका त्वरित निस्तारण कराया जाएगा। और मैंने व्यापार मंडल से रिक्वेस्ट की है कि शहर की यातायात व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के संबंध में जो भी सुझाव इन्होंने दिए हैं उन सुझावों पर ऊपर हम लोग अमल करेंगे और इनके सुझाव हमेशा लेते रहेंगे। हेलमेट के बारे में तो सामान्य चर्चा हुई और मेरे द्वारा यही अनुरोध किया गया कि सब लोग चाहे छोटे काम के लिए भी जाएं परंतु हेलमेट अवश्य लगा के जाएं, क्योंकि दुर्घटना का कोई समय नहीं होता है कि कब दुर्घटना हो जाए, दुर्घटना बता के नहीं आती है, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए सभी के लिए हेलमेट लगाना चाहिए।